जिला प्रशासन ने सिविल लाइन से लगाकर अस्पताल तक अतिक्रमण हटाया एवं कहा कि यदि फिर अतिक्रमण की कोशिश हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा रहा, परंतु अफसोस की गरीबों को तो हटा दिया गया परंतु पराग बूथ और एक ठेकेदार का वाटर कूलर नहीं हटा। रोड कैसे चौड़ी होगी बिना इन्हें हटाए। इस अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी व नगर निगम के अधिकारी सहित काफी संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात रही। आज उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लाइज यूनियन के लोगों ने कार्यालय गेट पर विशाल धरना प्रदर्शन कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को केवल अधिकारियों तक ही सीमित रखने पर एतराज जताते हुए कहा कि सातवां वेतन आयोग का लाभ केवल अधिकारियों को ही क्यों मिल रहा है, यदि मिले तो सभी कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक को मिले। इस संदर्भ में यूनियन के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को संदर्भित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा और कहा कि यदि हमारी मांगे न मानी गयी तो विशाल आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर संजय दुबे अध्यक्ष, संत कुमार मंत्री के साथ काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग आज यहाँ पे सारे कर्मचारियों के साथ में हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हम कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। हमारे अधिकारियों को सातवां वेतन का लाभ दे दिया गया जो कि हमारे जो कर्मचारी बचे हैं उनको नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे न मानेगी क्या करेंगे फिर? इससे अगर हमारी सरकार हमारी मांग या हमारे प्रबंधन निदेशक अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम 15 तारीख के बाद आंदोलन करेंगे। आज किस तरह का जो है धरना है आपका? ये तो आम सभा बैठक की धरना गेट मीटिंग के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर क्या नाम के मुख्यालय पे आंदोलन किया जाएगा। आज जो है क्या आप धरना के बाद जो है किसी को ज्ञापन सौंपेंगे क्या? हाँ, डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। डीएम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या नाम आपका? जी संजय कुमार दुबे। संजय से इतना चाहते हैं, ये हम लोग सेहत निगम के कर्मचारी हैं और हमारे यहाँ हमारे कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। हमारे यहाँ जो लमसम 5,000 कर्मचारी हैं जिसमें केवल 970 आदमियों को जो है सातवें वेतन का लाभ दिया गया है और हम लोगों के साथ भेदभाव किया गया है फोर्थ क्लास एम्प्लाई के साथ। उसके लिए हम लोग आंदोलन के जो है तरफ जागृत हुए हैं और जैसा भी हमारा केंद्र से निर्देशित मिल रहा है उसके तत्वाधान में हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ क्लास जो आप लोग बता रहे हैं, आप फोर्थ क्लास के लोगों के साथ क्यों ऐसा किया, क्या मामला? तो अधिकारियों और कर्मचारियों की सदा भावना चलती आ रही है ऐसी भावना कि वो नीचे वाले को दबाना चाहते हैं और अपने को ऊपर बनाना चाहते हैं। वो जो है उनकी भावना क्या है नहीं है वो हमको मतलब नहीं है। हमको अपनी मांग मांगना है, लेना है कि छीनना है। अगर नहीं मिलेगी तो छीन के भी लेंगे और जैसा भी हमारे जो केंद्र के पदाधिकारी हैं, चाहे महासंघ के थ्रू लड़ रहे हैं या अपने विभागीय जो एम्प्लॉय यूनियन है उनके जो है तत्वावधान में उनके निर्देशानुसार अपने कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। यदि 15 तक हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की घेराव भी करेगा जैसा केंद्र हमारे साथ में, तो उनके साथ में हम जो है मजबूत करेंगे उनके हाथ को। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम संत कुमार झा है, मेरा पोस्ट यहाँ तकलीफ का है और मैं इस निकाय का मंत्री हूँ। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन अफजा के चेयरमैन रविंद्र मिश्र ने आज फैजाबाद में रोड शो करके अपनी ताकत का एहसास कराया। आज लखनऊ से फैजाबाद आगमन में उनका स्वागत एसपी सिटी ने शहादतगंज में किया। वहां से जुलूस नाका बाईपास से मकबरा, कसाबबाड़ा, रिकाबगंज होते हुए पुनः शहादतगंज पहुंचा। आज उन्होंने प्रेस को बताया कि मैं 75 जनपदों का भ्रमण 70 दिनों में पूरा करूंगा। इसके बाद जंतर मंतर में एक विशाल जनसभा करके प्रधानमंत्री को पत्रकारों की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आगामी चुनाव में हमारे 75 सदस्य चुनाव में हिस्सा लेंगे। जब तक हमारे सदस्य विधानसभा लोकसभा में नहीं बैठेंगे तब तक पत्रकारों की समस्याओं को लोकसभा में कोई नहीं उठाएगा। इस अवसर पर अजय श्रीवास्तव प्रदेश महासचिव, लव कुमार पांडे, राजेंद्र दुबे, सुबोध श्रीवास्तव, महेश शंकर, प्रभाकर, ईशु सिंह, रवि कांत आर्य, राम तीरथ विकल, राकेश यादव, सोनू चौधरी, रज्जू सिंह आदि मौजूद रहे। है कोई पत्रकार साथी अपना किसी छोटे बच्चे को अपना स्कूल छोड़ने जाता है, घर बताता है कि हम छोड़ कर आते हैं तो खाना खाते हैं तब जाएंगे ऑफिस, लेकिन होता क्या है
छोड़ने से पहले ही खबर कहीं मिल जाती है, निकलना वहाँ होता है, तो स्कूल में बच्चे को छोड़ते हैं और निकल जाते हैं। शाम का खाना पता नहीं कब मिलता है, कभी छोड़ कर जाते हैं तो लेने नहीं जा पाते हैं, तो किसी को मैनेज करते हैं कि कहीं वो। इतना प्रयास करने के बाद जब हम समाज की समस्याओं को उभारते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं, कभी मंत्री विधायकों आईएएस पीसीएस लोगों का जब कोई कार्यक्रम लगता है तो क्या होता है कि वे अपनी बात को चाहते हैं कि हमारा मीडिया कर्मी बढ़ चढ़कर छापे। कभी कभी पर्सनली अटेंड करते हैं कि गुप्ता जी जरा अच्छा लगा दीजिएगा, श्रीवास्तव जी जरा देख ख्याल रखिएगा, फोटो वोटो ठीक ठाक लगा दीजिएगा। बड़ी अपेक्षाएं करते हैं हम मीडिया कर्मियों से, हम लोग